हेलो सोल्जर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। तो बेटा आज हम होरिजोनटल रेंज के बारे में बहुत कुछ यूनिक पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे कंसेप्ट आपके होरिजोनटल रेंज के कंप्लीट हो जाएंगे, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप कोई भी बुक अच्छे से सोल्व कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, सारे के सारे लेक्चर हमने सेपरेटली बनाए हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर भी अलग, रेंज के ऊपर भी अलग और मैक्सिमम हाइट के ऊपर भी, हाइट के ऊपर भी अलग। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज के शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो जी, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा दिया था। बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, हमने इन फॉर्मूलाज को ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि आपको ये आता भी होगा, क्योंकि आपने अपने पिछली लेक्चर्स के अंदर, पिछली क्लासेस के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो बेटा ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है और ये मैक्सिमम हाइट है। क्यों? क्योंकि मैं इनका यूज करने वाला हूं इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर। नाउ तो देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ओब्लिक प्रोजेक्शन बनाना है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को इस प्रोजेक्शन से हमने रिलीज कर दिया। चलो कर दिया रिलीज। ठीक है, दैट इज द पॉइंट एच, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा होगा, इसको आप ए पॉइंट मान लो, इसको आप ओ पॉइंट मान लो। तो बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली होती क्या है। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब ये होता है जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो, जब इसका इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है भाई, हॉरिजॉन्टल रेंज है, और इसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड दैट इज द मैक्सिमम हाइट विच इज गेन बाई एनी प्रोजेक्टाइल। बेटा ये भी सारी की सारी हाइट है, बट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच वी आर गोना टू फाइंड आउट। एंड मैं इसको मैक्सिमम हाइट बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि ये थीटा है ना, ये क्या होने वाला है, वो डिपेंड करेगा कि इसके थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, बट दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो हम बात कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज इनिशियल पॉइंट से जहां से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जाता है और वो फाइनल पोजिशन के ऊपर लैंड करता है, उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल, सॉरी हॉरिजॉन्टल रेंज बोला जाता है। ठीक है, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो अब ये कहां से फॉर्मूला रिलेट होता है, तो आपने इस कंसेप्ट को भी यूज करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ रखा है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो अब मेरी बात सुनो, जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया प्रोजेक्टाइल को, आपने इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया विद मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब ये थीटा इसके साथ भी बनाया जा सकता है, तो हम इसको 90 माइनस थीटा से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट के ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। ठीक है, अब देखो, अगर ये थीटा यहां से थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्टाइल को छोड़ दिया गया, तो ऑब्वियसली बात है इसके कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे। अब देखो, बार बार बताने वाला नहीं हूं, हमारी ये आदत हो गई। ठीक है, तो ये आ जाएगी इस तरफ यू कोस थीटा वेलोसिटी, अपवर्ड क्या आएगी, यू साइन थीटा वेलोसिटी, ये यू साइन थीटा हो गए। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन सा कंपोनेंट काम करेगा हमारा, बताओ कौन सा कंपोनेंट काम करेगा। देखो जी, यू कोस थीटा और ये यू साइन थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए तो यू कोस थीटा ही काम करेगा। जो स्पीड आने वाली है वो क्या आएगी, यू कोस थीटा, और डिस्टेंस क्या है, मैंने आर मान ली, और टाइम क्या है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल यहां से यहां तक गया और इतना कितनी देर हवा में रहा, टाइम तो लिया होगा उसने पूरी ड्यूरिंग द होल जर्नी। तब इस जर्नी के दौरान इसने टी टाइम ले लिया, और वो टी टाइम क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। क्यों? क्योंकि हमने कल की इक्वेशन के अंदर इसको आराम से डिराइव करवा रखा है। ठीक है, और जब डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हम ऐसे ही डेरिवेशन करके इन चीजों को समझते हैं। तो क्या जाएगा, 2u sin थीटा बाई जी। तो बेटा यहां से जो हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आएगी वो आएगी 2u sin थीटा, बेटा ऊपर चला जाएगा, ठीक है जी, बाय जी तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, इनटू यू कोस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू आर। अब जो आर आया है ये क्या आया है, अब देखो एक फॉर्मूला बनेगा यहां से, तो sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, और u u क्या हो जाएगा बेटा, u स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर। क्यों? u और u स्क्वायर, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या है, ये जी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो ये जो रेंज होती है ये होती है। ठीक है, आप इस रेंज को अनदर फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैंने मान लिया जो यू एक्स है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ये है, और यू वाई, यू है ये, ठीक है भाई, वाई डायरेक्शन के अंदर यू साइन थीटा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या, दो तो ऐसे रहेगा, इसको यू
वाई मान सकते हो इसको यू एक्स, क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी है, ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी, वर्टिकल के साथ वाई और हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स वाली डायरेक्शन लेंगे, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, आर इज इक्वल्स टू टू यू एक्स यू वाई डिवाइडेड बाई जी। अलग अलग बुक्स अलग अलग नोटेशन रखती हैं इन चीज़ों का, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो ऑप्शन वाला बनाने वाला है वो कहीं से भी उठा के दे सकता है, तो ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, माइंड को अच्छे से फोकस रखो। ये चीज हो गई। अब सबसे जो मेन बात करते हैं कि अगर इन्हीं चीजों को आप कंप्लीमेंट्री एंगल के साथ फेंक देते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर फर्क क्या पड़ता है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जो कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं थीटा एंड 90 माइनस थीटा, बेटा इनको कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है, थोड़ा मार्कर यूज अलग करेंगे, तो इनको कंप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है भाई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर इन कंप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब आप हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करते हो तो कंप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जहां से पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया है उसका फाइनल पॉइंट वही होने वाला है, लेकिन जो उसकी मैक्सिमम हाइट होती है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो चेंज हो जाता है, और उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे उसका कर्विंग है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल के रूप में लेता हूं, देखो मान लिया मैंने ये क्या है, ये टैंक है, अभी उसमें युद्ध चल रहा है ना, है ना, युद्ध चल रहा है कहां पे, यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यूज हो रही है इस प्रोजेक्टाइल की, उनको बहुत ज्यादा काम आ रहा है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहां से बम्ब जाएंगे, गोले बोलते हो जिसको जो भी, तो ये एक एक तो गोला ऐसे गया, ठीक है, इसने मान लिया कि चलो कितना भी एंगल बढ़ाया, ठीक है, यहां पे जाके ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा इससे क्या करेगा, हाइट ज्यादा गेन कर सकता है, लेकिन इसका डेस्टिनेशन यही रहेगा, इसकी स्पीड अगर सेम है तो। अब मेरी बात सुनो, चाहे आपको यहां से 30 डिग्री से फेंको या फिर इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बनाए, लेकिन इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना वो सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि जो ये आर है ना, आर ये सेम होने वाली है ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर थीटा ये होते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है ये डिपेंड नहीं करती। अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, क्यों नहीं करती, तो ये भी प्रूव कर देते हैं, इतना किया है तो हमने, है ना, तो देखो जी क्यों प्रूव, क्यों नहीं होती ये चीजें। अब मेरी बात सुनो, जो हमारे पास फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का, यू स्क्वायर साइन टू थीटा आया है, ठीक है, तो ये चीज आ गई, चलो मान लिया। अब क्या कर रहे हैं, इसी चीज को 90 माइनस थीटा के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो थीटा की जगह अगर हमने 90 माइनस थीटा कर दिया, इसका कंप्लीमेंट्री एंगल कर दिया, तो इसको फॉर्मूले के अंदर ही देख लो, अरे वैसे तो ये चीज यहां भी सोल्व हो जाएगी ना, जगह बचेगी, ताकि एक स्क्रीन में सारा का सारा आ जाए ना, आप थोड़े अच्छे से क्लियर रहो, फोकस रहो, पीछे की आगे की चीजें अच्छे से देख सकते हो, है ना। तो देखो भाई, तो ये 2u है, कहां पे गया, वो रहा ऊपर, u स्क्वायर है, अब साइन 290 माइनस थीटा बेटा डिवाइडेड बाई जी है। अब आपको अच्छे से पता चल रहा है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बेटा ये 180 हो जाएगा, और ये 180 माइनस टू थीटा मैंने आपको पढ़ा रखा है, या आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ रखा है कि 180 पे नो चेंज, 360 पे नो चेंज, पाई और 2 पाई पे कोई एंगल चेंज नहीं होता, ठीक है, बस क्वाड्रेंट का साइन देख लिया जाता है कि क्या आएगा। अब वैसे साइन तो हर जगह पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड के अंदर पॉजिटिव रहता है, तो साइन 180 माइनस टू थीटा, साइन थीटा दैट विल बी द सेम, तो ये भी क्या निकल के आई, आर के बराबर ही आएगी, क्योंकि ये भी क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा आएगा, 180 माइनस टू थीटा, टू थीटा होता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज पे कंप्लीमेंट्री एंगल का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। चलो जी, अब बात करते हैं कि अगर एक पार्टिकल को मैंने थीटा एंगल से रिलीज किया और एक को मैंने 90 माइनस थीटा से रिलीज किया, तो इसकी थीटा से रिलीज करूंगा तब भी कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी, u स्क्वायर साइन टू थीटा, जब थीटा से रिलीज करूंगा तो r1 मान लूंगा इसको, r2 बेटा r1 और r2 का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, r1 और r2 का, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है कि थीटा और 90 माइनस थीटा के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज नहीं होती, तो फॉर्मूला विल बी सेम।
अब क्या होगा, तो बेटा इनको काट दो, रेशियो क्या जाएगा 1। तो हम जगह थोड़ा कम यूज कर रहे हैं और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आर वन भी क्या आएगी, छोटे अक्षरों में लिख देता हूं मैं, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है भाई। इसका भी क्या आएगा, सेम आएगा 182 माइनस थीटा, वही जो अभी कंसेप्ट हमने करवाया है। चलो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। अब क्या पढ़ते हैं हम, अब पढ़ेंगे देखो जी, अगर यही चीज ठीक है, अगर आप उनको आप किससे फेंक दो एंगल्स को, एक तो थीटा प्लस 45 हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो 45 प्लस थीटा हो, या 45 माइनस थीटा हो, ठीक है। अब ये दो एंगल्स के साथ रिलीज कर देते हैं ना प्रोजेक्टाइल को, तब क्या उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज आएगी। तो आप साइन 2 थीटा की जगह क्या रखोगे, यही वैल्यू रख दोगे, तो आपके पास जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखो भाई यू कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जी। अब ये कैसे आएगा जी बताओ जी, देखो ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है वहां पे थीटा की जगह क्या कर दोगे आप, 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा, तो वहां से आप इन चीजों को सोल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, इनको अच्छे से सोल्व करके देखना। अब मेरी बात सुनो, अब क्या पढ़ेंगे हम, अब देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है और मैक्सिमम हाइट होती है इनके बीच में रिलेशन क्या है, या मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या आएगी, ठीक है। तो आपको एक शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूं, जब ये रेंज ऐसे डिफ्लेक्ट करती है तो क्या होता है, देखो जी। तो अगर आप बात करते हो कि जो मैक्सिमम रेंज, जो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, मैक्सिमम रेंज क्या होगी, अब देखो मैक्सिमम रेंज हो चाहे मैक्सिमम फोर्स हो, चाहे मैक्सिमम टोर्क हो, चाहे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपने जब आप 11th का यूनिट एंड डाइमेंशंस पढ़ते हो तो उसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स आता है, या फिर आपने 12th भी पढ़ रखा है तो आपको इस चीज के अंदर दिक्कत तो आनी ही नहीं चाहिए। अब देखो जी, जब भी आप किसी भी चीज को मैक्सिमम ही निकालते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है वो इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, वहां से उसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम निकालनी है तो आप हॉरिजॉन्टल रेंज जो आई है उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको इक्वेट कर दोगे जीरो के, तो इसका मतलब आया डी आर बाई विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ थीटा है, तो इसको कर दो जी। तो यू स्क्वायर बेटा डी है, इसको डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं, ठीक है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसको डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा, तो इसका जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, मेरी बात सुनो जी, कुछ भी नहीं सुनना है, इसको इक्वेट कर दो जीरो के, इसको इक्वेट कर दो जीरो के, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यू स्क्वायर बेटा क्या है, कॉन्स्टेंट है, जी भी कॉन्स्टेंट है, अभी साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा ना, यही होने वाला है, क्यों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब एक बात सुनो, ये मैक्सिमम कब होता है, जब ये मैक्सिमम होता है, सीधी सी बात है। अब एक बात सुनो मेरी भाई, अगर 2 थीटा 90 डिग्री हो, अगर यहीं से फाइंड आउट करें 2 थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू वहां से कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, लेकिन अब ने क्या किया, डिफरेंशिएशन करके किया, तो कोस 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, जब 0 डिग्री होता है, और 0 डिग्री पे ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो आर मैक्स कितने डिग्री के ऊपर आएगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा तब क्या आ जाएगा, ये 0 होना चाहिए ना, 0 तभी होगा कब, 90 के ऊपर, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी बताओ जी, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर 45 डिग्री पे आएगी, जब एंगल थीटा 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम रेंज आएगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये थीटा 45 डिग्री है तो ये जो R है ये R मैक्स हो जाएगी, और R मैक्स आ जाएगी U स्क्वायर बाई जी, क्यों, क्योंकि थीटा को 45 डिग्री रखो फॉर्मूले के अंदर, बेटा ये डिफरेंशिएशन करना हमें 45 इस फॉर्मूले के अंदर रखना है, ठीक है, मेरी बात सुनो, कर दो जी, करो, क्या कर दिया, इसमें वो रखो 45, तो U स्क्वायर साइन 2 into π/4, तो ये क्या आ गया 1, 2,
पाई बाई टू आ गया, तो ये क्या जाएगी यू स्क्वायर बाई जी, और ये कब आई है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आर मैक्स। अब जो आर मैक्स है होरिजोनटल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में भी रिलेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो जी कैसे करेंगे, अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इनके बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, आर को इक्वेट कर देंगे एच के बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। बेटा यहां से देख सकते हो आप, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल हमें हाइट का फॉर्मूला नहीं पता, जी से जी बेटा कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल। ये साइन टू थीटा है, साइन टू थीटा का मतलब क्या हुआ कि इसको लिख सकते हो आप टू साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा यहां से साइन थीटा एक कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा किसके बराबर, आर बराबर एच कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज और ये बराबर हो जाएंगी, तब क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये टू बच गया बेटा यहाँ पे, और ये टू फोर हो गया, तो फोर इज इक्वल्स टू ये कोस थीटा नीचे चला जाएगा टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या जाएगी बेटा टेन इनवर्स फोर। तो इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल कब होंगी, जब थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स फोर आ जाएगी, ठीक है। देखो ये सारे के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार कंसेप्ट है, इनसे क्या होगा कि आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज करेगी। और दूसरी बात, इस लेक्चर के अंदर कुछ भी चीजें रह रही हैं उनको हम क्या कर देंगे, क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी हमने सारी की सारी चीजें करवा दी हैं, बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करवाए, एक्स्ट्रा कंसेप्ट ही करवाए, अभी एक दौर करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो क्या हो गया, जब मैक्सिमम रेंज और हाइट, मैक्सिमम नहीं, हमने रेंज और हाइट को इक्वल किया एक्चुअली में, ये इक्वल हो जाएंगी कब, जब थीटा 45 का नाम है 10 इनवर्स 4 आ जाएगा। अब दूसरी बात, अगर आपको R डिवाइडेड बाई H कर देते हैं, ठीक है, मतलब R डिवाइडेड बाई H, रेंज डिवाइडेड बाई हाइट कर देते हैं, तो ये क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। बेटा जी से जी गया, ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, ये साइन टू थीटा है, साइन टू थीटा को फिर से क्या लिख सकते हैं, अभी हमने सारी की सारी चीजें की हैं, तो इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई बेटा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर गया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है बेटा टेन थीटा, सॉरी कोट थीटा होता है। तो R डिवाइडेड बाई H क्या आएगा बेटा, 2 ये था 2 4 कोट थीटा, ठीक है। तो R की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये भी रिलेशन है 4H कोट थीटा, देखो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है, ये चीज भी आपसे क्लियर हो गई। और एक चीज और आती है, हम इसको नीचे देख रहे हैं, देखो अगर आप हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट है R को और हाइट को n टाइम्स कर देते हो, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को n टाइम्स ऑफ हाइट कर देते हो, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा, देख लो क्या होगा, क्या करोगे, देखो आप इसको प्रूव करो, खुद प्रूव करके देखो क्या जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। तो ये क्या जाएगा बेटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर गया, साइन थीटा है तो टू साइन थीटा कोस थीटा लिख सकते हो इसको, तो बेटा साइन थीटा से साइन थीटा गया, अब ये क्या बच गया, यहां पे बच गया कोस थीटा, यहां पे साइन थीटा, ये टेन थीटा हो गया ना यहां पे, तो ये निकल के क्या आएगा, जी से जी गया, ठीक है। तो ये आ गया फोर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ बेटा ये टेन थीटा और एन टाइम्स ऑफ टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ, जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी यहां से, क्या निकल के आएगी, दिख रहा होगा मुझे, आई होप आपको दिख रहा होगा, थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी टेन इनवर्स फोर बाई एन, ठीक है, फोर बाई एन। अब देखो अगर एन की वैल्यू वन होगी ना, तो आर और एच क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जस्ट अभी हमने प्रूव किया, कहां पे प्रूव किया है, कहां पे किया है प्रूव बताओ, ये प्रूव कर रखा, ठीक है। देखो 4 बाई एन, तो टेन इनवर्स 4 बाई एन, 1 2 3 4 5 6 7 एन टाइम्स करते जाओ, कितनी भी बार करते जाओ, यहां से हम पूरे के पूरे रिजल्ट को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन इनवर्स 4 बाई एन, वन रखो तो थीटा 45, टेन इनवर्स 4 हो जाएगा, मतलब यहां पे आर और एच क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे,
ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो हमने बेसिकली इस लेक्चर के अंदर सीखा क्या है, हमने बेसिकली इसको हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करना सीखा है। हॉरिजॉन्टल रेंज कब मैक्सिमम होती है, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री के ऊपर हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हो जाएगी, dr / d थीटा को हमने जीरो करके किया था। तो दूसरा तरीका यह भी था कि आप 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी जब मैक्सिमम, यानी कि sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, sin 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा 90 डिग्री पे, तो 2 थीटा बराबर 90 हमने कर दिया, 45 डिग्री इसका आंसर आ गया था। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा गड़बड़ हो तो देख लेना भाई। अब मेरी बात सुनो, हमने सारे गेन के रेशियोज को डिवाइड कर दिया, R1 R2 को डिवाइड कर दिया। जब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंकते हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम हाइट होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ट्रेजेक्ट्री होती है, वो सारी की सारी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाइट क्या